आजकल बीजेपी और आरएसएस वाले अंबेडकर से बड़ा प्रेम जताते हुए नजर आते हैं। कभी डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन से 22 दिन तक जश्न मनाने की घोषणा करते हैं, तो कभी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को भगवा रंग में रंगकर अंबेडकरवाद पर भगवा चादर ओढ़ाने का असफल प्रयास करते हैं। हाल ही में देश के रक्षा मंत्री कम निंदा मंत्री ज़्यादा राजनाथ सिंह के बयान ने तो और गजब कर दिया, जब उन्होंने ये कह दिया कि सोरीकर, मेरा मतलब है सावरकर डॉक्टर अंबेडकर के लिए छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में इंस्पिरेशन थे, प्रेरणा स्रोत थे। ये उनकी एक क्लिप देखिए। सावरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। उस समय देश में प्रचलित छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ उनके विचार और कार्य दोनों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी प्रेरित किया था। बीजेपी और आरएसएस के अंबेडकर को अपनाकर दलितों की वोट काटने वाले इन तमाम हथकंडों से इतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 ऐसी बातें कही थी जो बीजेपी को, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले संघ को या फिर भगवा गैंग को अपच करवा सकती है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य या मोटिव मात्र इतना है कि धारा के एक ओर खड़े अंबेडकरवादी साथियों को अंबेडकरवाद के भगवाकरण को काउंटर करने के हथियार दिए जा सके। इस वीडियो के बाद किसी भी बहस में अंबेडकर को अपना कहते भगवा गैंग के साथियों पर क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स की बारिश कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पुणे पैक्ट हो जाने के बाद गांधी ने अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किए। इसके बाद देश भर के कई नेताओं ने दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए विधेयक पेश किए। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी द्वारा मंदिर प्रवेश विधेयक को समर्थन देने की रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया था। इस पर 4 फरवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर ने एक विस्तृत वक्तव्य जारी किया था। अंबेडकर ने गांधी को लिखा कि यदि अछूतों का धर्म हिंदू धर्म होता तो उस धर्म को सामाजिक समानता का धर्म होना पड़ेगा। हिंदू धर्म में मंदिर प्रवेश की बात जोड़कर संशोधन कर देने मात्र से वे सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन जाता। ये बात डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 9 के पेज नंबर 112 पर लिखी है। क्या बीजेपी के लोग, क्या भागवत एंड कंपनी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हुए ये 3 लाइन्स बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 3 लाइन्स नहीं है मात्र उनके लिए, इनके लिए भागवत एंड कंपनी के लिए अपच की दवा है। महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हिंदू धर्म में वापस लाने के प्रयासों के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कड़वी चीज़ को मीठा बनाया जा सकता है, किसी भी चीज़ का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना पूरे देश के लोगों का DNA एक बता हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने वाले मोहन भागवत बाबा साहब के बारे में बात करते वक्त क्या ये मानेंगे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म की तुलना जहर से की? 1935 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, मैं जन्म से हिंदू था क्योंकि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्या कोई बीजेपी या आरएसएस का नेता डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए ये कह सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी थी? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के एक भव्य समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर ने कहा, मेरा प्राचीन धर्म जो असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देता था उसे छोड़कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उस दिन अंबेडकर ने उनके साथ धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोगों के साथ 22 शपथ लिए। उनमें से एक था, मैं अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म को अस्वीकार करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मनुष्य के बीच भेद करता है और मुझे नीचा समझता है। अब बताओ, बाबा साहब के भगवाकरण करने की कोशिश में क्या संघ और भाजपा के लोग बाबा साहब के इस वक्तव्य को पचा पाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन 22 प्रतिज्ञाएं 22 शपथ लिए थे। उनमें से 3 प्रमुख हैं। उन्होंने कहा पहली प्रतिज्ञा में कि मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं होगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। दूसरे, उन्होंने कहा कि मेरा भगवान के अवतार के रूप में माने जाने वाले राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं होगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मेरा गौरी गणपति और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर कोई विश्वास नहीं होगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। तो अब बताओ, गली गली में मंदिर बनाने वाली पार्टी क्या उस अंबेडकर को अपना पाएगी जो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को सिरे से खारिज करते हैं? नहीं अपना पाएगी, क्योंकि जिस पार्टी को वोट ही मंदिर वहीं बनाएंगे वाले नारे पर मिलते हैं वो पार्टी दलितों को बस बाबा साहब का फोटो दिखा मूर्ख बनाने की फिराक में है। अंबेडकर ने हिंदुत्व के झंडाबरदारों और मुस्लिम लीग के बीच कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने दोनों को भारत को खत्म करने वाले एक ही सिक्के के दो पहलू माना। उन्होंने कहा कि ये अजीब लग सकता है कि जहां सावरकर और जिन्ना, जिन्हें एक देश और दो देश के मुद्दे पर एक दूसरे के विरोध में होना चाहिए था, इसके बजाय दोनों पूरी तरीके से सहमत है। दोनों सहमत ही नहीं है, न केवल वो सहमत है बल्कि जोर दे रहे हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र।
पाकिस्तान को गाली दिए बिना प्राइम टाइम शुरू नहीं करने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार, क्या संघ और भाजपा की तुलना अंबेडकर की महिमा मंडन करते वक्त पाकिस्तान से कर सकते हैं? भगवा ब्रिगेड में अपनी पेट जमाने वाले सावरकर की आलोचना करने में अंबेडकर ने कोई कोताही नहीं की। उन्होंने लिखा कि ये कहा जाना चाहिए कि सावरकर का व्यवहार अगर अजीब नहीं है तो असंगत तो जरूर है। सावरकर मुस्लिमों को अलग संस्कृति वाला मानते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि उनका अलग प्रतीक या झंडा हो सकता है, उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है, लेकिन फिर सावरकर मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की अलग देश की मांग का विरोध करते हैं। यदि वे हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं तो वे मुसलमानों के मामले में ऐसी मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं? दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों पर करारा हमला करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि यदि देश सच में हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है, इसलिए लोकतंत्र के साथ भी नहीं चल सकता। किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को, हिंदू राज्य को रोका जाना चाहिए। अब बताओ, हिंदू धर्म को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के लिए खतरा बताने वाले अम्बेडकर को क्या हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी स्वीकार कर पाएंगे? मेरा मानना है स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के भाषणों, लेखों को नज़रअंदाज करते हुए खाली अम्बेडकर के फोटोज़ को। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।